जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सोम प्रदोष व्रत यानी कि सोमवार का दिन, ऊपर से भगवान शिव का दिन, ऊपर से भोले बाबा का दिन, और ऊपर से प्रदोष का दिन, और ऊपर से शुक्ल पक्ष। क्या बोल, एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी जो क्या करेंगे चमत्कार। इस प्रदोष पर मैं लेकर आई हूं महा उपाय विवाह का आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्रदोष, यूं तो वर्ष भर में 24 आते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, या तो 12 तो कृष्ण पक्ष के, 12 शुक्ल पक्ष, यानी हर महीने में दो। अगर किसी को प्रदोष का व्रत उठाना है तो वो शुक्ल पक्ष का, अब ये जो प्रदोष है सोम प्रदोष पड़ रहा है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको प्रदोष का व्रत करने के लिए बताया जाता है, भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा करने का ये दिन होता है। अब ये दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, ऊपर से शुक्ल पक्ष है, ऊपर से प्रदोष तो है ही है, तो कितने सारे शुभ संयोग मिल गए। ओए मैं क्या बोलूं आपको, क्या ऐसा कर लो इस प्रदोष पर आप कि आपके विवाह के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाए, भगवान शिव माँ गोरा आपकी नैया को पार करें, अच्छे घर अच्छे वर की प्राप्ति हो, मन वांछित घर और वर मिले, और ऊपर से सुखी जीवन मिले। प्रदोष का व्रत वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली लाने के लिए किया जाता है, कुंवारी कन्याएं भी कर सकते हैं और वैवाहिक स्त्रियां भी अपने परिवार में खुशहाली लाने के लिए कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कहीं भी मतभेद है तो प्रदोष का व्रत करना शुरू करिए, भगवान शिव और गोरा की पूजा करना प्रारंभ कीजिए। प्रदोष का व्रत ये कैसे किया जाता है, आपको पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, पूरी पूरी विधि बताई है, तो अब केवल शॉर्ट में यही बताऊंगी। प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी, और अगर व्रत रखते हैं नहीं तो भी। अगर आपने व्रत रखा है तो आपने जो भी दूध चाहे आपने सुबह का जो होता है पूजा करके दीपक लगा के ले लिया होगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने व्रत नहीं रख करा और आप केवल उपाय करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल तक आप अगर कर रहे हैं तो आप उस इस वाले उपाय के लिए सिर्फ एक दिन के लिए फलहार खाएं, यानी कि दूध पी लें, चाय पी लें, दही खा लें, तो फ्रूट खा लें, तो ड्राई फ्रूट खा लें, या कोई मिठाई खा लें जिसमें अनाज ना हो, आप नहीं रह सकते हैं। तो प्रदोष काल में, प्रदोष काल क्या, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, प्रदोष की पूजा सदैव प्रदोष काल में ही की जाती है, उस समय में यानी कि संध्याकालीन समय में। अब आपको करना क्या है कि यदि आपके घर के आस में, मैं दोनों चीजें बताऊंगी बिल्कुल आराम से बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रदोष काल में क्या करना है, आपने एक लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, फिर उसमें शहद डालिए, फिर उसमें इत्र डालिए। शाम के समय की पूजा बता रही हूं, मंदिर में जाकर करने की पूजा पहले बता रही हूं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी दूंगी यदि मंदिर नहीं खुल रहे। पहले मंदिर वाली सुनो, तो मैंने क्या बोला, एक लोटा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, उसके बाद उसमें जल, शहद और इत्र, ये डाल दिया, आपका ये जल का पात्र तैयार हो गया, एक मुट्ठी जौ। अब ये जो प्रदोष है उससे कई दिन पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, परचून की किराना की दुकान सब जगह खुली है, जौ लेकर आने, क्योंकि जौ का ही तो उपाय है। तो आप ये ना कहिएगा कि जौ नहीं मिल रहे तो क्या करें, फिर तो क्या ही करेंगे, ठीक है। एक मुट्ठी आपको जौ जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए, और एक लोटे में जल, बस ये लेकर आपको मंदिर में जाना है, और भगवान शिव के समक्ष वहां जाकर शिवलिंग पर पहले वो जल अर्पित करना है, और एक मुट्ठी जौ आप भगवान शिवलिंग के पास, वहां पर जो शिवलिंग बना है बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर नहीं रख देने हैं, नीचे रखने हैं, और समर्पित कर कर आप अपने मन की इच्छा भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा से कहिए कि हे माँ गोरा, क्या विलंब है, अब क्या विलंब है, बहुत कर लिया माता, अब क्या विलंब है, और ये उपाय मैं इस विश्वास और इस श्रद्धा के साथ कर रही हूं कि आप मेरा काम अब पूरा करेंगे, आप मेरा काम अब पूरा करेंगी, अब मेरा काम पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा ये काम अवश्य करेंगी, हे माँ गोरा आप ये मेरा काम अवश्य करेंगी। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का बोलो, ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधि के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र बोलो, जितनी बार मर्जी बोलो, कोई माला लेने की जरूरत नहीं, कोई गिनती करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपके मुंह से जो भी निकले वही बोलो, श्रद्धा भाव से जो निकले
अब इस समय जो मैं बोल रही हूँ, मेरे जो भी अंदर से निकल रहा है मैं आपके सामने बोल रही हूँ, पूरे भाव के साथ बोल रही हूँ और ईश्वर से मनी मन प्रार्थना करते हुए बोल रही हूँ कि जो इस वीडियो को देखे है ईश्वर उसकी इच्छा पूरी कर। इस तरह से ये वाले भाव लेकर आपको शाम के समय मंदिर में पूजा करके अपने घर आ जाना है और शाम को फिर आप फलाहार स्वरूप कुछ भी खा लीजिए, ठीक है। अनाज मत खाइएगा क्योंकि एक ही दिन का तो उपाय बताया, एक दिन तो रह ही सकते हैं ना फास्ट, अनाज मत खाइएगा। पूजा से पहले मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, तो आप जो जो सामान खा सकते हो मैंने बता दिया। पूजा करके आने के बाद अपने घर में आप जो भी सामान में फलाहार में खाया जाता वो आप खा लीजिएगा, बस इतना सा ही काम आपको करना है। आप ये देखिएगा कि जो सोमवार का प्रदोष है ये आपके कष्टों को कैसे मिटाएगा, विवाह के मार्ग में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करेगा। अब बात मैं वो बताती हूँ जिनकी सिटी में जिनके आसपास के मंदिर नहीं खुल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे करें? करेंगे खूब आराम से करेंगे। आप भी अपने घर में, आपके घर में मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का परिवार वाला फोटो तस्वीर सबके घर में होती है, ठीक है। सुबह तो आपने जो पूजा कर ली कर ली, उसके बाद शाम के समय जो मैंने सूर्यास्त का समय बताया, फिर आप वहां पर बैठिए और आप अपने घर के मंदिर में बैठे घी का दीपक भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपने क्या करा, जो एक लोटा में पात्र में जल बनाया है ना, पहले गंगा जल डाला, जल शहद इत्र डाल के, ठीक है, उससे भगवान जो भोलेनाथ हैं और माँ गोरा हैं, अगर आपकी कांच से मढ़ी हुई तस्वीर है या आपके पास पीतल की कोई मूर्ति है, तो आप उन्हीं पर ये सोच करके मैं इसको शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, ये मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ, थोड़ा 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 वो जल किसी पत्ती से, किसी लाल रंग के फूल से या किसी सफेद रंग के फूल से भगवान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया ना, जल उंगलियों से मत चढ़ाना, या तो किसी पेड़ का पत्ता ले लो, अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, कोई फूल उसमें डालो और उससे आपको ऐसे ऐसे चढ़ा चढ़ा देना है। ये मन में भाव रखते कि मैंने शिवलिंग पर चढ़ाया है। एक मुट्ठी जौ भगवान के आगे आप अर्पित कर दो, भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दो एक मुट्ठी जौ, और फिर मनी मन बैठकर कोई भी मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, जो भी मंत्र आप सुविधा से बोलो, जितनी देर बोल सकते हो, जितनी भी देर आपके भाव बने अंदर से, इधर उधर ध्यान नहीं भटके, उतनी देर वो बोलो। उसके बाद आप वो जो जल है वो तो किसी भी प्लांट में आप दे दो, तुलसी को छोड़कर, तुलसी में नहीं देना, किसी भी पौधे में आप वो जल सिला दो, ये सोच करके भगवान अब इसे स्वीकार कर, ठीक है। वो जो जो मैंने एक मुट्ठी चढ़ाए हैं वो वहीं रखे रहेंगे, अगले दिन उन जो को आप वहां से ले लीजिए, या तो किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, अगर आपके आसपास जल मिलता है तो वहां प्रवाहित कर दो, किसी कागज की पुड़िया में बांध के ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास जल भी नहीं है तो किसी भी प्लांट के नीचे उन्हें भी दबा दो, जो ऊपर ऊपर नहीं डाल देना, दबा दो थोड़ा थोड़ा सा बस। दोनों तरह से मैंने आपको तरीका बता दिया है कि मंदिर में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी आप इस तरह से कर लीजिए और शाम को एक समय फलाहार का भोजन कर लीजिए। अब बात आती है कि अगर ये उपाय मम्मी करें तो लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है अपने लिए, और लड़की और लड़के की मम्मी कर सकती है अपने बच्चों के निमित्त संकल्प लेकर, अपने बच्चों का नाम लेकर, उनकी आयु बोलकर, नाम से संकल्प लेकर कि मैं उनकी माता, अपना नाम बोलिए और कि मैं अपने बच्चे का नाम बोलिए, उसकी आयु बोलिए, इतनी आयु हो गई है और मैं उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हूँ, भगवान मेरी परेशानी को अब दूर कर। इस तरह से मदर कर सकती है, लेकिन इस उपाय को बहन नहीं कर सकती है, इस बात का आप ध्यान कीजिए कि बहन सोचे कि मैं कर लूँ, दूसरी जगह रहती हूँ, तो नहीं, माता कर सकती है, बच्चे खुद कर सकते हैं, लेकिन करिएगा जरूर। अगर आप परेशान हैं तो करिएगा जरूर, और अगर आप परेशान नहीं भी हैं और आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो भी करिएगा जरूर। ये एक मुट्ठी का चमत्कार देखिएगा जो का, बिल्कुल बिल्कुल भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा की कृपा बरसेगी, और जो भी अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, वो ईश्वर अवश्य करेगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत, ईश्वर आपकी मदद करे।